ये ना जी, ये हमारा लफ्ज इधर काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, अब कुछ ना थोड़े से हमें एक हमें लेयर बनानी है। किस चीज़ की बनानी है वो देख लेते हैं। ये देखें, ये जो चीज़ है हमारी, ये जो शेप ये वाली है, पूरा लफ्ज जो लिखा हुआ है रूह, ये लफ्ज हमने जो लिखा था रूह, इसकी एक डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल जे के साथ और इसको हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सारे के अंदर जो है ना, हमने हल्के हल्के वाइट डॉट्स ऐड करने हैं। तो कैसे करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसके अंदर वाला हिस्सा मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन आ गई ना, तो उसके साथ हमने डिलीट कर दिया। अब मैं ब्रश वही लेता हूँ दोबारा से और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर हम ये जो रा वाला हिस्सा है हमारे पास, ये जो रा वाला हमने बनाया था, ये रे शेडो, ठीक है, यहाँ पर हम हल्की सी शेडो ऐड, ये इसके ऊपर डॉट्स ऐड करेंगे। ये देखें, लेकिन ये देखें, ये कलर इसका चेंज करना ज़रूरी है, वाइट करना इसको ज़रूरी है। ये आ गया, ठीक है जी, ये लंच पेज के ऊपर भी आ गया। पेज के ऊपर से हम इरेज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लें जी, ये यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दें, ठीक है, ये रा के ऊपर हमने इसको ऐड कर दिया। लेकिन ये रा की जो शेडो है ना, ये इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर नहीं लेके आना, इसको थोड़ा सा अवॉइड भी करना है। तो चलें, इसको यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम नहीं ऐड करते, या इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, हम एक अलहदा से लेयर ले लेते हैं।